अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमजद इकबाल। आप देख रहे हैं अमजद डेकोरेशन मास्टर। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि जैसे कि हमारे पास बैक लाइट इसके अंदर है, बैक लाइट मोनोग्राम, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा, जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं उसी तरह वो चीज़ें, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि थंबनेल कुछ और उसके अंदर कुछ और दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं तरतीब से दिखाऊँगा और साथ में आपको इनके सबकी प्राइस भी मेंशन करूंगा, इसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है जी। तो उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपसे शेयर कर लूं, दो तीन बातें करनी है आपसे। सबसे पहले तो ये है, जब आप मुझसे सामान मंगवाते हैं उसके लिए पेमेंट मुझे एडवांस आप सेंड करते हैं, ठीक है। पेमेंट एडवांस जब करते हैं उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया करें। अगर तो आप बहुत पास से करते हैं फिर तो परेशानी नहीं, आपके पास ऑलरेडी मैसेज आ जाता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट उसका भेज देते हैं। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाके मुझे पेमेंट सेंड करते हैं तो क्या तरतीब होती है कि उसके पास जो आपको पेमेंट सेंड करके दिखाता है आप उसकी तस्वीर ले लें, वो मुझे सेंड कर दिया करें, उससे क्या होता है कि आपके पास प्रूफ होता है कि मुझे आपने पेमेंट सेंड की है, ठीक है। या उसी टाइम पे मुझे कॉल करें कि भाई ज़रा पेमेंट चेक करें, पेमेंट आपके पास आई है तो मैं आपको बता दूं कि हाँ पेमेंट मेरे पास आ गई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जब पेमेंट सेंड करते हैं उसका स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, उसका यह होता है मेरे पास प्रूफ होता है कि आपने मुझे पेमेंट दे दी है, तो यहाँ पर फ्रॉड वाली कोई बात नहीं होगी। जो जो आपने पेमेंट दी होती है उतना काम आपका कर दिया जाता है। दूसरा, जब मैं आपको कहता हूं कि मुझे एड्रेस सेंड करें, एड्रेस याद रखें, आपने सिटी का मुझे एड्रेस सेंड करना होता है। एड्रेस जो है सिर्फ सिटी का, गांव वगैरह का एड्रेस नहीं देना, वहां पे आपका सामान नहीं पहुंचेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पास में जो आपको सिटी टच होती है, सिटी लगती है, आपने सिटी का मुझे एड्रेस देना है ताकि आप वहाँ से खुद जाके आप ले सकें, ठीक है जी। तो इस तरतीब के साथ आपको ये काम करवाना पड़ता है ये बात। और यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा, जो कि आप लोग अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं यार फ्रॉड तो नहीं किया जाएगा, फ्रॉड तो नहीं होगा, ठीक है। लोग ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं जो ऐसा काम करते हैं, जबकि आपको पता है कि मिलना वही है जो आपके मुकद्दर में है, ठीक है। वो तरीके गलत से ले लें या अच्छे से ले लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मेरे मुकद्दर में होगा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है फ्रॉड करके पैसे लेने की किसी से, ठीक है जी। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी। जारी बात है टेंशन होती है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे नए लोग काम करवाते हैं जो कि एक रिस्क लेते हैं तो बाद में वो कहते हैं नहीं यार आप अच्छे लोग हैं, नेक्स्ट टाइम भी आपसे काम करवाएंगे, ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा या कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो चले खैर, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग को इस चीज़ के बारे में मालूमात हो जाए कि तरीकाकार क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट पहले हम लेंगे उसके बाद आपको सामान भेजा जाएगा, डिलीवरी चार्जिंग भी और पेमेंट सामान का जो पेमेंट होगी वो भी हम आपसे लेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ मेरा जो सामान मैं आपको भेजता हूँ वो आपने पिक करना होता है, उसके अलावा उसको कोई पैसा नहीं देता होता। तो चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से हमेशा के लिए उसी तरह एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि इस तरह की जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत सारा सामान है इस दफ़ा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता जिसकी वजह से मैंने एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है जी। चले मैं आपको चीज़ें कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं, ठीक है। लाइटें वगैरह या नंबर प्लेट है, ये सब को तरतीब के साथ मैं ऑन करके आप लोग को दिखाता हूँ जी। तो ये हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये सब चीज़ों का मैं व्यू आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा और इसका तरीकाकार क्या है या इसकी पेमेंट क्या होगी, इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको साथ में मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि न्यू लाइट बना के दी थी अहमद भाई को, उसी से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको पता चल सके, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं ये देखें। सबसे पहले तो ये देख लें, ये नीचे जो आपका नेम आ रहा है ये आएगा ब्रेक के साथ, आप हेडलाइट के साथ भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ये चीज़ है, ओके जी। ये लाइट गई, इसका जो मैं साथ में आपको नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इसको नंबर को नोट कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी इन चीज़ों की प्राइस की दी जाएगी साथ साथ में, ठीक है। तो मैं तरतीब के साथ सबका चलूँगा, सबका व्यू चेक करवाऊँगा, उसके साथ साथ आप लोग को इसकी प्राइस बताता जाऊँगा क्या प्राइस होगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है जी। तो ये दूसरे नंबर पे हमारे पास है ये वाला मोनोग्राम, इसके अंदर कलर स्कीम चेंज करवा सकते हैं। मेरे पास
जो चीज़ें होती हैं मैं खुद रेडी करता हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेता। ठीक है, जितना ये सामान बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद रेडी किया हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, इसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी होती हैं, मैं लोकल सामान यूज़ नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि जितना जितने पैसे ले लाऊँ उससे अच्छे वाला काम कर दूँ, मटीरियल जो अच्छे वाला लगा दूँ इसके अंदर। ठीक है, तो अगर प्राइस आपको फ़र्क लग भी रहा होगा, लेकिन उस वक्त हाज़िर वक्त लगता होगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें मैं लगाता हूँ बेहतरीन क्वालिटी के साथ लगाता हूँ, लोकल वाला सामान नहीं होता। ठीक है, तो जो चीज़ आप लेते हैं वो एक अरसा निकालती भी है, इस तरह की चीज़ होती है। ये क्वालिटी इसकी लगा रहा हूँ जो, तो इसको आप वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है, इसको बेशक आप पानी के अंदर डिप करके भी चलाएं इसको ये ऑन रहेगी। ठीक है, या इस तरह की जो चीज़ होगी इसके अंदर, यहाँ पे आप वाइट भी करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। यहाँ पे आप नेम भी लिखवा सकते हैं, वो आप लोग अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लू मैंने कर रखा है इसके अंदर, ठीक है, ब्लू और रेड है, यहाँ पे वाइट और रेड भी किया जाता है, कोई भी कलर आप करवा सकते हैं। इसका नंबर ऊपर आ रहा है, नंबर के हिसाब से डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइस होगी। ठीक है जी, तो कुछ भाई कहते हैं यार डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है हमें नहीं पता चलता, तो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर आप लोग को डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जिस भाई को नहीं पता या नहीं जानते उनको पता चल जाए कि डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो चलें इसके बाद या तीसरी आइटम बता दूँ। ये जो आपके पास जो एरो का निशान नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने करना है क्लिक इसके ऊपर। ये क्लिक किया तो ये आपके पास फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मोर लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिस्क्रिप्शन इतनी ओपन हो गई है। ठीक है, इस तरह आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मेरे अलावा किसी और की भी करना चाहें। ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिल रही, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो उन लोगों के लिए ये मैं बता रहा हूँ। बेसिकल तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये जानते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ठीक है जी, तो इस तरह आप प्राइस चेक करके तो यहाँ पे चीज़ चेक कर सकते हैं किस तरह आप ऑर्डर करना चाहेंगे। ठीक है जी, तीसरी आइटम ये हमारे पास आ गई नंबर 3 पे, ये भी हम चेक करते हैं तो ये इसका व्यू क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये देखें, इसको बोलता है हम बोलते हैं रेड लाइन वाला मोनोग्राम, इसके नीचे रेड लाइन होती है। ठीक है, इसके नीचे रेड लाइन है तो इसको रेड लाइन वाला मोनोग्राम बोला जाता है। इसकी प्राइस अलग होगी दूसरे वाले से। ठीक है, तो इसके ऊपर आप 3D भी करवा सकते हैं लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टाइम पे वीडियो के अंदर मैं किसी के अंदर आपको लोगों वो भी दिखा दूंगा वो क्या चीज़ है। आप ये देख रहे हैं ये मोनोग्राम है, बहुत ही प्यारी लुक है इसकी भी, तो रेड जो इसके नीचे लाइन है रेड लाइन, तो साथ में ये आपको इसका नेम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भाई ने 3-4 चीज़ें रेडी करवाई थी, ये भी प्लेट इन्हीं की है, ये भी चीज़ इनकी है और 2-3 चीज़ें और भी इनकी हैं। ठीक है, तो इनका ये पैकेज था पूरा, इन्होंने काफ़ी सामान रेडी करवाया था, तो इसलिए ये बैक लाइट भी है और हेड लाइट भी है, तो इसकी प्राइस भी है आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम आते हैं लाइट के, इनकी ये बैक लाइट के ऊपर। ठीक है जी, ये भी इन्हीं की बैक लाइट है, तो इसके अंदर क्या फ्यूचर डाला गया, क्या चीज़ है, ये भी मैं सिर्फ मैंशन करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या तरीकाकार है। ये जी, ये स्टाइल है बासत शाह वाला, पहले मैं वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएं। ठीक है जी, अभी यहाँ पे रूम के अंदर काफ़ी लाइट है, लाइट के साथ भी आप देख रहे हैं कितनी इसके अंदर रोशनी है, कितनी लाइट है। इसके अंदर बैक जो ऑप्शन है ब्रेक का, ब्रेक के साथ क्या होगा, ये रेड हो जाएगी सारी, देख रहे हैं जब ब्रेक लगती है तो ये रेड हो जाएगी सारी की सारी। ओके, इसकी मैं प्राइस भी आपको मेंशन कर दूंगा, ये नंबर 4 पे ये वाली चीज़ है। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं, ये जो अली कोखर वाली लाइट है इसका व्यू भी मैं आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ। इसकी भी जो प्राइस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी नंबर 5 पे, ये इसकी लाइट आ गई आपके पास। ठीक है, ये रिमोट के साथ जोन साहब कलर करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं, ये रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल करेगी सब कुछ जो भी आप करना चाहें। इसका साइड का व्यू ये है जी, ये फाइनल व्यू इसका। ओके हो गया, इसके अलावा इसके अंदर फ्लैश कर सकते हैं, कोई भी कलर एक चूज़ कर सकते हैं, ये सारे आपको कलर इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है जी,
ये लंबे पेट है, तो ये बैक वाली है, इसकी फ्रंट भी बन जाती है, लेकिन इसकी मैं प्राइस और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बता रहा हूँ, उससे आप चेक करवा सकते हैं जो लोग बनाना चाहते हैं वहाँ से ये। तो और दूसरी बात ये याद रखा करें, जब भी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं सिर्फ नंबर ना सेंड किया करें, नंबर वाइज तो काफ़ी वीडियो होती हैं, उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया करें। प्राइस तो आप वहाँ से देख सकते हैं, देख लें तो, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो देखने के बाद जो मुझे ऑर्डर करना होता है तो मुझे इसकी स्क्रीनशॉट सेंड किया करें। ये मैं आपको मीटर 1 to 5 का जो मैंने खुद मॉडिफाई किया, ओरिजिनल मीटर होगा, होंडा 1 to 5 का ओरिजिनल मीटर है ये वाला, तो उसको मॉडिफाई किया गया है, उसके जो थीम चेंज की गई है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये देखिए, ये भी इन्हीं भाई के जिनकी लाइट वगैरह सामान सारा पड़ा हुआ है उन्हीं की, ये भी मीटर भी उनकी है, ठीक है जी। ओके हो गया। इसके फ्रंट पे ये दो नेम भी लिखे हुए हैं, आप एक लगवाना चाहते हैं या दो लगवाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होगी। दो नेम के साथ मैं आपको प्राइस बात बताने वाला हूँ, दो नेम के साथ, अगर एक नेम होगा तो वो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो सिर्फ इसकी प्राइस भी आपको बता रहा हूँ, ये जो नंबर आ रहा है अभी ऊपर, इसकी सिर्फ ये चीज़ के साथ मीटर की प्राइस होगी, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर लें, आप जो नंबर दे रहा हूँ उसके अंदर ये और ये दो चीज़ों की प्राइस इस नंबर के अंदर होगी, दोनों नेम और इस चीज़, ये चीज़ की पूरा मीटर, ये प्राइस इस नंबर के ऊपर होगी, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको इनकी हेडलाइट भी इनके लिए रेडी की गई है वो चेक करवाता हूँ। ये हेडलाइट है, मैं कोशिश करूँगा रोड व्यू भी इसी वीडियो के अंदर आप लोग को दिखा दूँ, पहले मैं आपको जल्द से ये चेक करवा दूँ। ये इनकी लाइटें दो, ओके जी। इसके अंदर फ्लैश चेंज करवा सकते हैं आप, जौन सा मर्जी कलर एक करवा सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। इसकी प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जी। तो ये हम रोड व्यू इसका दिखाएंगे आपको, ये देखें इसकी लाइट जो है, लाइट काफ़ी अच्छी है, वाइट कलर भी इसका ये चेक कर लें, मैं येलो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये लाइट की लेंथ आप खुद देख रहे हैं कितनी ज़्यादा रोशनी है इसकी, तो काफ़ी वायर के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर के देख रहे हैं कितनी रोशनी है इसकी। ये येलो कलर है, रिजल्ट अच्छा है इसका, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हम जी, तो ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे, इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है काफ़ी बड़े साइज में है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने लाइट लगाई है रनिंग लाइट है, जो मल्टी लाइट इसके अंदर, ठीक है। इसके साथ जब हम ब्रेक लगाएंगे इसके अंदर रेड और ब्लू फ्लैशर है, इसके साथ तो होगा क्या कि बैक वाली दोनों चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, जब हम ब्रेक लगाएंगे फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा, उसकी लाइट भी ऑफ हो जाएगी, तो जब छोड़ेंगे साथ में फिर फ़ैन और लाइट दोनों ऑन हो जाएंगी। इससे एडवांटेज क्या होगा, इसका ऐसे करने का क्या फ़ायदा है, जब आप रश वगैरह में आप फंस जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि इस लाइट के अंदर जो फ़ैन बंद होता है ना वो शो होगा किसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, जैसे ये ब्रेक लग गई तो फ़ैन आप रुके हुए हैं, ब्रेक आपने लगाई है, इसके अंदर फ़ैन रुक रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके कस्टमर देख पीछे से कोई और जो लोग देख रहे हैं वो उसको वाजिया हो जाएगा यार इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, सब छोड़ते फिर वो ऑन हो जाता है, ठीक है।